सुप्रीम कोर्ट का आदेश, हेट स्पीच में खुद से दर्ज करें केस। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को इस बात के आदेश दे दिए हैं, शिकायत ना होने पर भी दर्ज करें केस। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को ये आदेश दिया है, बिना भेदभाव के हो एक्शन। तो सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच को लेकर सख्ती दिखाई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2022 के आदेश का दायरा 3 राज्यों से आगे बढ़ाते हुए आज सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नफरत फैलाने वाले भाषण देने वालों के खिलाफ बिना किसी शिकायत के स्वतः संज्ञान लेकर मामला दर्ज करने का निर्देश दिया। अरविंद सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं साथ ज्यादा जानकारी के लिए, उनका रुख करेंगे। अरविंद, और क्या जानकारी इस पर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया है कि उसका 2022 का दिया हुआ आदेश सिर्फ 3 राज्यों तक ही सीमित नहीं है। कोर्ट ने उस आदेश के दायरे को बढ़ा दिया और कोर्ट ने यह कहा है कि अब सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की जिम्मेदारी बनती है कि अगर उनके यहाँ भड़काऊ भाषण का कोई मामला सामने आता है तो वो स्वतः संज्ञान लेकर इस मामले में केस दर्ज करेंगे। यानी पुलिस को इस मामले में औपचारिक शिकायत दर्ज करने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, पुलिस स्वतः संज्ञान लेकर के ऐसे मामलों में केस दर्ज करेगी, बिना आरोपी का धर्म देखे बगैर इस मामले में ऐसे मामलों में एफआईआर दर्ज होगी। और कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर इस आदेश की तामील नहीं होती है तो इसे सीधे अदालत की अवमानना में माना जाएगा। कोर्ट ने यह कहा कि हमारी निष्ठा सिर्फ संविधान के प्रति है, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते हैं और जिस तरह के मामले सामने आ रहे हैं वो सीधे तौर पर देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे के खिलाफ है। हमारी चिंता देश के व्यापक हित में है और इसी लिहाज से हमें ये लगता है कि भड़काऊ भाषण पर लगाम लगनी चाहिए। मामलों को, हेट स्पीच के मामलों को गंभीरता से लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है और 3 राज्यों से दायरा अब इसका बढ़ा दिया है और स्वतः संज्ञान लिया जाए और इस मामले में शिकायत दर्ज हो। शुक्रिया आपका जानकारी पहुंचाने के लिए। Z News.